हेलो हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन जी? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, कौन बउआ? बुआ नहीं, वो फूफा जी की है। मैं बहू। क्या? हेलो, एक मैं कह रहा था, लोग बोल रहा था थिएटर रंगमंच कलाकार तो लोग एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। क्या है? हेलो, ये इतना हॉर्न कोई बजा रहा है, तुम उसको दो ठो नहीं बजा सकते यार? अरे बजा रहा, उसकी बजा दे यार, तेरी क्यों? सॉरी, तो मैं कह रहा हूँ जिसकी मंजिल है एक्टर बनना, उसके लिए तो? क्या जरूरी है मैं बताता हूँ। क्या जरूरी है? चप्पल। जिसको बनना उसको बताना, मेरा क्यों सब्जेक्ट? आप नहीं, मैं बता रही थी। सुन लो, अगर आपको कोई पूछे कि मेरे को बनना है एक्टर बनना है, तो उसको बता देना चप्पल जरूरी। कैसे? सुन लो, एक मिनट लगेगा। हेलो सर, बता बता जल्दी। सपोज आपकी मंजिल है एक्टर बनना, एक्टर बनने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल करने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा। अच्छा, घर से निकलने के लिए आपको चप्पल की जरूरत है, तो यहाँ सबसे पहले चप्पल आया, ध्यान देना। चप्पल पहन के आप कहीं जाओगे, कहीं जाओगे तभी कहीं पहुँचोगे, कहीं पहुँचोगे तो लोग पूछेंगे कहाँ से आए हो, तब आप बोलोगे घर से आया हूँ। बोलेंगे किसके घर से? आप कहोगे पापा के घर से। फिर लोग कहेंगे पापा? आप बोलोगे हाँ पापा का घर, जिनको वो घर उनके पापा ने दिया, यानी दादाजी ने। पापा, दादा, नाना, मामा जा रहा है जल्दी। तो फिर आप बोलोगे दादाजी ने घर दिया है पापा को। दादा तो सौरभ गांगुली भी है। हेलो, हाँ बोल। वो कलकत्ता से है, कलकत्ता में रसगुल्ला फेमस है। रसगुल्ला आप तब बांटते हो जब आप खुश होते हो। खुश कब होते हो? जब आपको आपकी मंजिल मिल जाए। लेकिन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए चप्पल पहन के जाना पड़ेगा। और आपकी मंजिल क्या है? एक्टर बनना। कभी आप गलत एक्टिंग करोगे, गंदी एक्टिंग करोगे थिएटर पे, तब लोग वही चप्पल फेंक के आपको, है ना? नहीं तो वही चप्पल तेरी डाल देंगे। चप्पल कर रहा है आपको बोल कर अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे। ऐसा कर क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको घर से निकलना होगा, और घर से निकलने के लिए आपको, अरे चप्पल चाहिए होगी। मैं जूता पहन के निकलूंगा। फोन काट रहा हूँ मैं चप्पल से। NSRP presents next prank. हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? ये चर्र करके क्या आवाज आई पीछे से? भाई कुछ नहीं, कौन बोल, कौन रहा है? सॉरी, तो मैं कह रहा था फिर चर्र से आई। अरे बोलेगा? ओ, ये चर्र चर्र। नाइस, मैं ये कॉलिंग फ्रॉम इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड। भाई साहब लोग कंपनियों में क्या जो इंश्योरेंस देते हैं वो लाइफ का देते हैं, या एक्सीडेंट का देते हैं, या चोरी वगैरह हो जाए उसका देते हैं, अलग नहीं देते, अलग में पैसा फंसा देते हैं। वी आर द ओनली कंपनी विच प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी विद डिफरेंट टेन्योर ऑल टुगेदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण दूंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। चाय पीते हैं आप? जी। तो आप सड़क के किनारे खड़े होकर चाय पी रहे हैं टपरी पे, पीछे से एक मोटरसाइकिल आई और आपको जोर से हिट कर दी। और मैं चला गया? नहीं नहीं, अभी गए नहीं हो। अच्छा, यही हुआ अभी? वही हूँ। हाँ, तो क्योंकि हिट किया और आप चाय पी रहे हो, और जो चाय का गिलास आपके हाथ में, उससे क्या हुआ कि झटका लगा और गर्मा गर्म चाय आपके गले में अचानक से चला गया। अच्छा, आप जॉब क्या करते हो? कॉल सेंटर में हूँ मैं। हाँ, बोलने का जॉब है आपका। गर्मा गर्म चाय आपके हालत तक पहुंचेगी, गर्म गर्म गर्दन तक जल जाएगा वो, और आपकी आवाज बंद हो जाएगी, आप नौकरी से निकाल दी जाओगे। दैट टाइम आर इंश्योरेंस कंपनी विल प्रोवाइड यू दैट सिक्योरिटी। भाई साहब, अच्छा तो ये अलग है। देखो, आप मरे नहीं, आपको कुछ हुआ नहीं, गर्दन जल गई अंदर से। अच्छा, है ना? वन मोर प्लान मैं एक सजेस्ट करता हूँ आपको। सपोज आप शादी वगैरह में जाते हो, कुर्ता पजामा स्टोल पहनते हैं, स्टोल पहन के आप सड़क क्रॉस कर रहे हो। अच्छा, बात सुनना ही चाहिए यार, कोई प्लान व्लान रहने दे तो यहाँ पे मेरे को नहीं चाहिए। आप गलत बोल रहे हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ा अलग है। वन मोर लास्ट वन चांस, जल्दी बोलो। आपने कुर्ता पजामा स्टोल पहना, सड़क क्रॉस किया, पीछे से गाड़ी आई, जूम, और गाड़ी ने ठोक दिया मुझे। नहीं नहीं नहीं, ठोका नहीं, उसके जूम करके जैसे वो निकल गई, आपका स्टोल उसके पहिए में फंस गया। अच्छा, और आप घिसटते जा रहे हो। अच्छा, और घिसटते 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 मर गया मैं। नहीं, नहीं 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 नहीं, आगे एक ठेले वाला आ रहे फल लेके, अचानक घिसटते घिसटते आपका सर उस ठेले पे लगता है धड़ाक, और फिर मर गया मैं। नहीं नहीं नहीं, अब भाई साहब इतना जल्दी क्यों आपको मरने की? इंश्योरेंस का है बात।
मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने धार करके किया ठेले वाले को, उसके यहाँ से पूरे फल गिर गए, जिसमें से स्पेशली जो अनन्नास होता है पाइन एप्पल, वो गिरा आपके पैर पे खचाक, पाइन एप्पल में होते हैं कांटे, ठीक है, उस कांटे का इन्फेक्शन आपके पैर में लगा, आपका पैर सूज गया, डॉक्टर ने बोला कटवाना पड़ सकता है, तो इन दैट केस आवर कंपनी विल गिव प्रोवाइड यू सिकल। गलत बोल रहे भाई साहब। एनएसआरपी प्रेजेंट्स नेक्स्ट प्रैंक। हेलो हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते जी। भाई साहब आप बहुत पागल आदमी हो। तेरी आवाज लग रही है बेटे। सुनो तो, मैं कह रहा हूँ जैसा आप मतलब बेवकूफ इंसान मेरे जिंदगी में नहीं थे। अरे भाई कौन बेवकूफ बोल रहा है। हेलो। बदतमीजी हो, आवाड़ापन हो, चिचोड़ी हरकते हो, आपसे बेहतर कोई। मेरी बात सुनिए एक मिनट। सडम जो होती है ना सडम, पता जी आपने कहाँ भेज दी है, मतलब मेरे। यार सुनिए, अपनी नहीं तो घर वालों का थोड़ा ख्याल रखो भाई साहब उनकी। यार घर वाला मेरी इज्जत अपने आप रख लेंगे भाई, तू अपनी खैर कर। सुनिए सुनिए, मतलब मैंने आप जैसा एक इंसान नहीं देखा दुनिया में। देखेगा भी कैसे, एक होता है बुरा इंसान, एक होता है बहुत बुरा इंसान, और फिर तीसरे होते आप। भाई साहब मैं तो बोल रहा हूँ आपको, मेरे को बात ही नहीं, मैं बात कह रहा हूँ, मेरे को करनी नहीं आपसे बात, आप गलती से भी मेरे को मिल मत जाना, मैं बता रहा हूँ आपको। भाई मैं कौन सा मिलना चाह रहा हूँ। ठीक है मैं रखता हूँ। अब देखिए ये हंस के बोला, यही चीज अकड़ के बोलूंगा तो कैसे होगा देखना, अब ये आदमी बदल जाएगा अचानक से, एक से वापस लगा दे। हेलो जी, नमस्ते भाई साहब। नमस्कार। दिमाग खराब है, पागल आदमी हो क्या? आप कौन बोल रहे हैं? आप जैसे बेवकूफ आदमी भाई साहब मैंने देखा नहीं कभी, समझे? बोल कौन बताओ जो शुरू से ऐसे बातें कर रहे हो। बदतमीजी हो, आवारा गर्दी हो, छिछोड़ा पंती हो, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अरे अपने नहीं, अपने घर वालों का ख्याल रखो यार, इज्जत का। क्यों मेरा सुबह सुबह मेरे दिमाग की थोड़ा जबान संभाल के, एक होता है बूढ़ा आदमी, एक होता है बहुत बूढ़ा, और फिर होता है तू। थप्पड़ लगा हुआ, दो निकलेगा तू दूसरे पे आ जाएगा, बाहर है को तू। अकड़ के बात मत कर, आवाज कट रही है। तू होता कौन है ये बता। तू होता कौन, बात कर रहा है, मेरे को मिल मत जाइयो, तू सच्ची बता रहा हूँ, सामने मत पड़ जाइयो मेरे। मैं कह रहा हूँ तू मिल जा को, तो मिलने से फायदा क्या होता है तेरे को, तेरे को बताऊंगा कैसे मैंने तेरे को पहले। आप काम का बुरा हो रहे हैं, मैं अभी तो बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सुबह दिमाग पता है कहाँ से फोन लगा देते हैं। NSRP presents next prank. हेलो। हेलो जी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? अमिताभ चंद का बहुत बड़ा फैन हूँ, अमिताभ चंद। बोल कौन है भैया? बहुआ बोल रहा हूँ। नहीं वो तो ठीक है, ये अमिताभ बच्चन है बेटा, आप अमिताभ चंद चिपका के बोलोगे तो अमिताभ चंद ही सुनाई दे, अमिताभ चंद। सुनो तो भाई, उनका हैप्पी बर्थडे है ना भैया? हाँ ना, तो मैं कह रहा था कि देखिए अमिताभ चंद जी ना बेसिकली बॉलीवुड के बैटमैन है, बताओ कैसे? बैटमैन, वो कैसे भाई? बैटमैन कब निकलता था? रात को भाई। अंधेरी रातों में। अरे हर जुर्म मिटाने को एक बैटमैन निकल, ठीक है। अब मैं वो बताता हूँ, अगर वो बॉलीवुड में नहीं होते तो सीसीटीवी कैमरे के बिजनेस में होते, बताओ कैसे? वो कैसे भाई? जहाँ तेरी ये नजर। और बताओ है? इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, वो धरना प्रदर्शन के अगेंस्ट होते। धरना प्रदर्शन के अगेंस्ट? हाँ, क्योंकि जब भी धरना होता है तो क्या वहाँ क्या लगते हैं? क्या लगते हैं? लाउड स्पीकर लगते हैं भाई? नहीं नहीं नहीं, लाउड स्पीकर भी लोग चिल्ला चिल्ला के क्या लगाते हैं? नारे। नारे वो उनको पसंद नहीं है। अरे भाई यार, तो उनको नाना नाना नारे, ठीक है। एक लास्ट सुनी, अगर वो आज के टाइम में एक्टर नहीं होते, माफी चाहूंगा एडवांस में ये गुस्ताखी करने के लिए, लेकिन अगर आज के टाइम में एक्टर नहीं होते तो वो ई रिक्शा चलाते, बताओ कैसे? कैसे भाई? ये देखो,
जब उस टाइम उस टाइम पे तांगा चलाते तो आज के टाइम में तांगा नहीं, आज के टाइम में तांगा थोड़ी, आज के टाइम में ई रिक्शा भाई तू भी बस बस गलत नहीं बोल सकते आप ऐसे भी। नहीं भाई एक हम भी बताएंगे, देख मैं हम भी बताएंगे। हाँ बताइए भाई, अगर वो आज के डेट में नहा रहे होते ना तो बाल्टी से नहाते, शावर से नहाते। शावर से क्यों भाई, वो गाना नहीं है कौन सा, शावा माहिया भी शावा शावा शावर अबे सावा है, सावड़ नहीं है, घटिया आदमी घटिया। तू थोड़ी देर से वो कर रहा है इंटेलेक्चुअल बात है, घटिया मेरे को घटिया बोल रहा है तो दिमाग लगाना थोड़ा मेरी तरह। अरे तूने बड़ा दिमाग लगाया, मतलब सावड़ सावड़। अबे चल NSRP presents next prank। हेलो हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, मैं आपसे एक मिनट लेना चाह रहा था, आम का सीजन जा रहा है। तो बता रहा है कि पूरे सीजन मैंने 373 आम खाए, उसकी गुठली रखी है मेरे पास, तो मैं क्या करूं भाई। वही मैं भी पूछ रहा हूं, मैं क्या करूं गुठली, मतलब सोचा एक बार पूछ लूं लोगों से, अगर उनको काम आएगा तो शायद मैं उन्हें दे दूं, या फिर मैं उसको। मैं बताता हूं क्या करूं, तू गुठली ले ठीक है, उसने ले ले ठीक है जी। यार तू तू अरे फोन रखो, गलत आदमी, किसी और को एक लगाते हैं, कुछ रुकिए। हेलो, पूरा कॉलर ट्यून सुनने ही नहीं दिया आपने। भाई कॉलर ट्यून कौन बोल रहा है, क्या कॉलर ट्यून, कॉलर ट्यून सुननी इधर को। एक ही मिनट चाहिए भाई साहब, बउआ बोल रहा हूँ। एक मिनट चाहिए इधर को, मैंने इस पूरे आम का सीजन जो जा रहा है ना, 373 आम खाए, सारी गुठलियाँ बची हुई है, क्या करना है गुठली का, मैंने सोचा पूछूं शायद अगर आपको कोई काम हो। अबे गुठली तो अपने झापड़ मारो ना, तेरे खींच के ना मुंह पे देख ले। गलत आदमी, झापड़ क्यों मारोगे मुझे, क्या रखो फोन, बदतमीज हो गए हैं पूरी दुनिया वाले यार, आम खाया गुठली बची और गंदा बोल रहे हैं। छी, एक और बोल लगाता हूँ उसके बाद तो बंद कर दूंगा मैं बात, करने लगा भाई। हेलो भाई साहब नमस्ते, बड़ा परेशान हो गया मैं। कौन बोल रहा है भाई, मैं बउआ बोल रहा हूँ, एक मिनट चाहिए था आपसे। किससे बात करनी है आप ही से करनी है, मैं इस पूरे आम के सीजन में, जो आम का सीजन अब जा रहा है, मैंने तकरीबन 373 आम खाए, लोग कहते हैं आम का गुठली मत गिन, मैंने कहा क्यों, मैंने सारी गुठलियां जमा की, 373 हो गई, अब गुठलियों का क्या करूं, मैं लोगों को पूछ पूछ के परेशान हूं। मैं क्या करूं यार, मुझे क्यों फोन किया था ना, आप बताइए मैं गुठलियों का क्या करूं। अबे काम कर, तुम गुठलियों का मेरे क्या, अबे सुन तो ले, बोल, अबे बोल तो रहा हूं, क्या है, क्या क्या करूं, क्या गलत, सुन मेरी बात। हाँ तुम गुठलियों का काम कर, गड्ढा खोद और सारे गुठलियों को उसमें गाड़ के और उनका पेड़ लगा, उनको धूप दे, उसको पानी वानी दे, समझ गया, मतलब उससे पेड़ लगेंगे तो अगले सीजन फिर दोबारा उसमें आम लगेंगे, आम लगने के बाद फिर लोग उसे खाएंगे। अच्छा तो आप कह रहे हैं कि उसको मैं जमीन में गाड़ के पेड़ बनाऊं और फिर उसमें आम और दूसरे लोग। हाँ अबे तूने भी तो आम खाए हैं, वो भी तो किसी ने उगाए है, अब तो वो भी खा देते तो तू आम खाता। सही बात है भाई साहब, नहीं होना चाहिए आप, आपके वो पैर का है भाई साहब, पैर तो पैर गिर गए होंगे, क्या हो गया, मैं उन्हें टच करना चाह रहा था क्योंकि आप मानोगे नहीं, इतने सज्जन इतने संस्कारी, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आपने ये बोलोगे, क्योंकि इससे पहले, हेलो क्या पहले, क्या इससे पहले मैंने कई लोगों को फोन लगाया था। अच्छा क्या बोला उन्होंने, मैं उन लोगों को पूछा कि भैया गुठली है क्या करूँ, गुठली है क्या करूँ, पता है सबने बोला गुठली, क्या बोला उन्होंने, गुठली अपनी निकाल ले जी, आप भी वैसे ही निकले। अरे वैसे नहीं निकला, मैं तो समझा रहा हूँ वो काम करने जिसको बताया। आपने ये क्यों बोला फिर अंत में, मेरे को लग रहा था आप संस्कारी अच्छे इंसान है। NSRP presents next prank। हेलो हेलो अंकिल जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं भाई, आप कौन बोल रहे हो, कौन आपने क्या, यही तो बात है ना, इतने ईगो लेके कहाँ जाओगे, सबने एक दिन चले जाना है। मैं अगर एक सेकंड, मैंने कुछ बदतमीजी करी आपसे, मैंने क्या बोला फोन लगा के, आप कौन बताओ ना, कौन बोल रहे हो आप, बताओ ना आप कौन बोल रहे हो, आप नहीं बता सकते आप कौन बोल रहे हो, फोन किसने किया है, काम क्या आपको ये बताइए, फोन तूने किया, मैं काम बताऊँ तो तू ही बता देना, इतना ईगो क्यों, मैंने अपना ईगो तोड़ के तेरे को फोन किया, कम से कम तू अपना नाम नहीं बता सकता, तेरे को काम किया तू नहीं बता सकता, दोनों में ही बैठा, सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, सुन एक मिनट मेरी बात सुनिए भाई साहब, मैं बहुत बिजी हूँ, जल्दी बताइए क्या काम, भाई तू बिजी है मतलब, फोन तूने किया, मैं खाली बैठा हूँ यहाँ पे। एक सेकंड, अगर आप बिजी होते ना तो आप फोन काटते उठाते नहीं, फोन कैसे काटते पता है, कैसे, ये लो
एक सेकेंड. हेलो. बिजी हो, बिजी होते फिर फोन उठाते तुम. अरे कर रहा होगा पता नहीं उसके चक्कर. गलत मत बोलिए. तूने आपकी बात मेरे को खराब किया ना. जाले मेरा मैं. हेलो. हेलो. हाँ जी, मैं सुरभि बात कर रही थी. सॉरी, आप जी बात कर रहे हैं ना. हाँ जी. आपकी रिगार्डिंग आपसे बात हुई थी. जब भी आप उठा के फोन गंदा संदा बोल रहे हैं, देख तो लीजिए. गंदा गंदा नहीं बोल रहा मैं, एक्चुअली तो मुझे परेशान कर रहा है. आपका नंबर देख लीजिए ना सर. नंबर नहीं, वो अलग अलग नंबर से बार बार फोन कर रहा था. नंबर से कर रहे हैं सर, क्या बात होगी. नहीं नहीं मैम, मैं आपको दो तीन हफ्ते से लगा रहा था फोन एक्चुअली. तो आप मिल नहीं रहा था. नंबर एक बार लिखवा दीजिए जल्दी से. 239421. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. तो मैं आपकी कॉल अभी ट्रांसफर करूंगी सर के पास. आप अपनी कंसर्न उनको एक बार बता दीजिएगा. बाकी सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है, लेकिन थोड़ा जल्दी बताइएगा. हाँ जी. हाँ. हेलो. हाँ जल्दी किसलिए. नहीं उनको थोड़ा जल्दी बताइएगा. नहीं जल्दी कैसे बताऊँ, मतलब मेरे को तो कंसर्न समझाना तो पड़ेगा ना उनको. आराम से बताऊंगा. आप हमेशा जल्दी बताते हो. नहीं आप उनको जल्दी बताइएगा. पता है क्यों? क्यों भाई साहब, मैं बोला था ना मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ अभी. अबे तेरी NSRP presents next prank. Hello. 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 अरे कोई बोलेगा? Hello. कोई बोले? Hello. अरे क्या ड्रामा है? Hello. अरे कुछ बोलेगा भाई? Hello. अरे ये बोलेगा कुछ नहीं बोलेगा? चल दबाओ ना. हेलो. अरे कौन है बात की बोलेगा तो कुछ नहीं बोलेगा यार. अरे कुछ बोलेगा हूँ वहाँ के आगे भी बोलेगा काका. हेलो. तेरा नंबर पुलिस मिलता. तूने दिमाग खराब कर रखा है. बोल लिया मार रहा है. और पुलिस उल्टा है. नंबर पुलिस में देगा ना, पुलिस उल्टा तेरे को पकड़ेगी. गाली तू दे रहा है. मैंने कुछ बोला? मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ. मैंने तो शांति बनाई रखी है, तू ही बोल रहा है. शांति बनाए हूँ क्या कर रहा है तू? क्यों बोलूँ मैं कुछ? क्यों बोलूँ मैं कुछ? जैसा माहौल है मैं क्यों बोलूँ कुछ? और तू उल्टा पुलिस को ना, तेरी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है. मैं बोलूंगा ये गाली दे रहा है. मैं तो शांत था. क्या कर रहा है? यही था, पेशेंट का टेस्ट है ये. ऐसे ही आदमी आपको भड़काएंगे फोन से, मैसेज से, हूँ करेंगे. कुछ हो सकता है कुछ बोले, हो सकता है कुछ ना बोले. तू भड़केगा, अपना आपा खो देगा. गुस्सा, सॉरी गुस्सा करेगा. थूका ना तो मुंह पर मल दूंगा थूक सारा. यही मैं कह रहा हूँ, आपको भड़कना नहीं, शांत रहना है, गुस्सा नहीं करना है. आपा खोगे, टेंशन लोगे, आदमी को चिढ़ोगे, उसको गाली दोगे, सामने आएगा फोड़ दोगे, फिर पुलिस तुमको तोड़ देगी. और उल्टा मेरे को बोले, मेरा नंबर पुलिस को देगा. सावधान रहे भाई, शांत रहे, समझा? कहाँ कहाँ चला गया? हेलो. अरे तू नहीं तो बोला शांत रहे.